हमारे मैडम पहली बार आई है गरबा खेलने देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हमारे मिट्टू का पिंजरा घर पे आ चुका है। चिकू ने कम्प्लीटली पूरा कंप्लीट जमा दिया है, इस पिंजरे को पूरा कंप्लीट जमा दिया है। अब ये सारी चीज़ें हैं वो भी चिकू एक एक करके अंदर फिट कर रहे हैं। अभी ये इनका कैसे यूज़ करते हैं, और कल रात से ये एक्साइटेड है मिट्टू, ये हमारा नया पिंजरा आ गया, अब इसके अंदर कब जाएंगे। फाइनली ये पूरा चिकू ने सेट कर दिया है, अब इसके अंदर मिट्टू को रखेंगे। इनका रिएक्शन देखते हैं आपके सामने लाइव। हम भी क्या कल रात से चेक ही कर रहे हैं, कैसा लगता है। मम्मी सोच रहे कि झूले पे जाके मिट्टू डरने वाले हैं, अब देखो क्या होता है। सीढ़ियाँ भी हैं मस्त, अंदर इनके खेलने के लिए डाली जैसा भी है। और ये कंप्लीट देख रहा है, जब से कर रहे हैं चिकू तब से देख रहा है। हाँ, तेरी बातें कर रहे हैं। चिकू इसको पता चल गया होगा, हैं इसके लिए ही आया है यूं, भले इतना बड़ा रात से परेशान कर दिया। जारी होते ही चल रहा है। हाँ ऐसे कर दे, इतना ऊपर से चिकू ना अटलू बैठे काटेंगा। अच्छा हाँ, अटली यूज सही है। आगे आगे लग की तरफ लगा दो ना, जो मार के मार, एक तो आई कर दे बेटा, हमर एक आई कर दे, एक अटलक कर दे। उतने सेंगल लगा दो, एक बार तो डालना पड़े। लाओ बनियान लाओ, तुम्हारा टी शर्ट है, गे रुमाल दो। बोलो अम्बे मात की जय। ये मिट्टू का नया फोन भी, ये देखो मजा आ गया। बिनन नहीं मिलियो, मन मिल गई तो ये बिन जुई रही थी। क्यों क्यों जा जा, थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा। आ जाओ तो पहले भी तो बाहर ही रहते थे, खुला ही लग रहा था। सीढ़ियों पे उतरेंगे पुटक पुटक करके। मिट्टू कैसा लग रहा है तेरे को तेरा नया पिंजरा? अच्छा है तो। मिट्टू का पिंजरा आ चुका है और अभी नवरात्र चल रही है, तो मिट्टू का नया घर भी तैयार है उनके लिए। और मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज पाचम है और नवरात्र में हम खेलने के लिए जा रहे हैं। रोज ही जा रहे हैं, पर रोज थोड़े सिंपल रहते तैयार होकर जाते हैं। आज हम सब जनों ने डिसाइड किया है कि सब जने आज राजपूती पोशाक पहन के जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर पोशाक वेयर की है। और ये पोशाक मम्मी की बहुत पुरानी साड़ी से बनवाई है हमने, और इसके ऊपर ये दुपट्टा ग्लिटर वाला बनवाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत टाइम से पहनना भी था। और चिकू ने कहा ये वाला ही पहनो, ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने आज ये वाला लहंगा है वो वेयर कर दिया है। अब मेकअप बाकी है तो मेकअप करते हैं। चूड़ा सारे निकाल के रखे हैं, उधर दिखाऊँ मैं चूड़ा। अब सारे चूड़ाज में डिसाइड करती हूँ कौन सा चूड़ा पहनूंगी, ज्वेलरी तो शॉप से लेके आई हूँ। तो अब हमारा आज लुक रेडी करते हैं राजपूती वाला, जो कि मेरा सबसे फेमस लुक हो गया है। और मेरी एक वीडियो पे अभी मैंने रिसेंटली देखा 80K हो गए हैं मेरे राजपूती, जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था ना मेकअप का ट्यूटोरियल रजवाड़ी लुक, जो कि ऑसम था। लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, जाके देखो, बहुत ही अच्छा मेकअप ट्यूटोरियल बना है। अगर देख लिया होगा तो अच्छा है, देखा तो जल्दी से देखो, मस्त है। अब हो जाते तैयार, क्योंकि सब जने ऑलमोस्ट हो गए, मैं लेट हो गई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आरती और सब कर रहे थे, नवरात्रि हैं। सो अब मेकअप, नवरात्रि का ये फर्स्ट व्लॉग है, नवरात्रि का मैंने प्रॉपर पूरा व्लॉग किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया है मुझे आपसे बड़ी शिकायत है, क्योंकि आप मेरे व्लॉग्स को लाइक नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा व्लॉग नहीं बनाती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लाइक करो साथ साथ में मेरे व्लॉग्स, तो मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी। मेकअप यहाँ पर फेस का हो चुका है, हवाई मेकअप कर रही हूँ। पूरा सेटअप लगा हुआ है ना स्टूडियो में, तो ऐसे मेकअप करने में बहुत आलस आता है। मैं हो चुकी हूँ रेडी, आप देख सकते हो कंप्लीट। और अब डांडिया के लिए मम्मी को तैयार कर देती हूँ, और बाकी सब भी तैयार हुए कि नहीं हुए ये सब पता कर लेती हूँ। और आज तो मैं मेरे आईफोन से व्लॉग फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ, जब से मुझे गिफ्ट मिला है तब से, तो आज मुझे फ़ोन वही लेके जाना पड़ेगा।
तो अभी चेक करते हैं कौन कौन रेडी हो गया है। हम सबके व्रत चल रहे हैं, सिर्फ चिकू के नहीं है। तो चिकू ने उनके खुद के लिए मैगी बना दी थी, बेचारे परेशान करते नहीं है क्योंकि तीनों के व्रत चल रहा है, क्या मेरे लिए खाना बनाएंगे यूँ करके। रोज़ कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बना देते हैं, कभी कह देते हैं ये बना दे तो बना देते हैं। मम्मी ने अभी सामे की खिचड़ी बना दी है तो खा लेती हूँ थोड़ी, थोड़ा सा तो फलहार ज़रूरी है क्योंकि वहाँ जाके तो फुल नाचेंगे, इसलिए तो एक बार थोड़ा ठूस लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं कंप्लीट रेडी हो गई हूँ और ये रहे मेरे डांडिया, मम्मी के पास चलते हैं। मम्मी हो गए लगभग तो रेडी, फिर वहाँ से हम जाएंगे डांडिया खेलने और यहाँ पर मेरे पतिदेव बैठ के करेंगे एडिटिंग, जो कि मैं आपके लिए वीडियो बना के कंप्लीट रेडी रखती हूँ। क्यों आप नहीं आ रहे हो मेरे साथ डांडिया खेलना? मैं खेलता ही नहीं, कभी नहीं खेलते, आते ही नहीं और खेलते भी नहीं है। अभी हम जा रहे हैं हमारा के पास में क्योंकि मम्मी कंप्लीट रेडी हो गए हैं। मेरा फोन आ रहा है, चेक कर लेती हूँ किसका। हाय अच्छी भाभी। हाँ बस अब 5 मिनट रुक जाओ, मम्मी हो गए हैं लगभग तैयार। तो गाइस सब रेडी, अब निकलते हैं। मम्मी थोड़े लेट हो गए क्योंकि मम्मी फलारी बना रहे थे तो वो मैंने खा लिया। ये सामे की खिचड़ी जो कि बिल्कुल सिंपल बनाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और हल्की फुल्की रहती है क्योंकि सुबह तो हम जल्दी आजकल व्रत खोल देते हैं ना, 12 बजे तक तो व्रत खोल देते हैं। तो 12 बजे व्रत खोलने के बाद पूरा दिन भूख लग जाती है और शाम को डांडिया भी खेलने जाने पड़ते हैं तो पेट खाली हो जाता है। तो मम्मी कहते हैं थोड़ा पेट भर के जाते हैं तो आराम से खाली होगा फिर पेट। गरबा कैसे खेले, कैसे खेलोगे? आपकी ड्रेस बता दो गोल गोल घूमी घूमी करके। कौन है हिमायरा? और हम दोनों तैयार हो गए कंप्लीट, सब जने आने बाकी है, हम दोनों कंप्लीट तैयार होकर बाहर निकल गए। हाय कर दो। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स कर दो। आ गया, आ गया मम्मा, आ गया। अपन कहाँ जा रहे हैं? अपन कहाँ जा रहे हैं बता दो, कहाँ जा रहे हैं? गरबा आएंगे तो गरबा, गरबा इधर इधर लैला को भी ले जाए। हाँ इक्कू, इक्कू तो कहाँ गई भाई? हिम्मी अभी कौन आएगा देखो, कौन आया? चाचा आ ले पंखा चढ़ने के लिए। हाँ चलो हिम्मी, चाचा चढ़ने आ ले, चलो अपन चले जाते, मम्मा और दादी दोनों आ ले। हाँ ये डंडा में पकड़ लेते हो, आप चाचा के पास खड़े रह जाओ। जो मैं चिकू हिमायरा तीनों जने जा रहे हैं स्कूटी पे। ओ नो, मंदिर 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 जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। करो कहाँ है शॉप करो, कहाँ है शॉप करो, हम पंडाल में आ चुके हैं सब जने, एक बार दर्शन करेंगे फिर गरबा खेलेंगे। ये हमारे मैडम पहली बार आई है गरबा खेलने देखने, पहली भगत अभी है। Thank you.
खेल लिया है, अब हम तीसरी जगह पे जा रहे हैं डांडिया खेलने के लिए। दो जगह खेली है, तीसरी जगह जा रहे हैं। तो ही तो बोल रहे हैं, तीसरी जगह जा रहे हैं, दो जगह पे हमने डांडिया खेल लिए, अभी तीसरी जगह जाते हैं। अब वहाँ पे कैसा माहौल है वो भी देखते हैं, क्योंकि वहाँ हम तो फर्स्ट बार जा रहे हैं। यहाँ तो रोज जाते हैं, कैसे तमाशा करेंगे, कूद कूद के जमीन तोड़ेंगे। रची हमारी इमायरा तो घर चली गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक रही थी, उसको भेज दिया क्योंकि वो इसकी मम्मी को पहले नहीं दे रही थी। ये गाड़ी हमारे अंदर जा रही है, मस्त अभी पार्क होके चार्ज पे चली जाएगी, क्योंकि दौड़ दौड़ के यही मुझे शॉप पे रखने आती है। इसलिए मम्मी पापा तो दोनों जने पहले ही आ गए थे, क्योंकि मम्मी थक गए थे खेल खेल के, इसलिए मैं थोड़ी देर तक खेली वहाँ पे। और जहाँ पर भी केशा जी, मैं तीन जगह पर मैन घर पर होते हैं, तीनों जगह पर हम खेल के आ गए। चलो आपको भी आना चाहिए, अरे यार मैं सिखा दूंगी यार, मैं लोगों को मेकअप करना सिखा सकती हूँ, मैं डांडिया खेलना नहीं सिखा सकती। अब इनका पिंजरा बड़ा हो गया है, तो अब इनको किंग साइज की बेडशीट से ढका जा रहा है। ये तो छोटी पड़ी, खुली दो पूरी, खुली दो मम्मी, रोज मम्मी इडली हमिट भी तोड़ दिए, एक तो घी खत्म है, झूला निकाल दिया था वापिस से डाला अंदर। तो फ्रेंड्स घर पे आ गई हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा थके नहीं हैं, और खेलना था मुझे, पर हमारे ग्रुप को घर पे आना था तो जल्दी से आ गए। मम्मी तो आ गए थे घर पे क्योंकि मम्मी थक गए थे, और मैं पूरी भूसी बटाक होकर बैठ गई हूँ, ज्वेलरी निकाल रही हूँ, अब चूड़ा भी निकालती हूँ। और कैसी लग रही थी मैं आज मुझे कमेंट करके बताओ, कल और मस्त तैयार होकर जाऊँगी, वो भी आपको व्लॉग में देखने मिलेगा, कल का व्लॉग भी देखना ठीक है। तो बस मेकअप थोड़ा रिमूव करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, और टाइम बजने वाली है 12:44 तो हो चुकी हैं, एक बजते बजते मैं फ्री होंगी, कंप्लीट फेस वॉश करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, और स्किन केयर मेरा अच्छे से करके फिर सोऊंगी। चलो यहीं पर ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप नवरात्रि खेलने नहीं जाते हो तो जाओ जाओ, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है।